दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? हम लोग आज आए यहाँ पहाड़ों के बीच में, तो हम लोग आज यहाँ का व्लॉग बनाएंगे और उस पहाड़ी की चोटी पे चढ़ेंगे। आपका क्या? मेरा ये कहना है कि इंशाल्लाह ऊपर चढ़ के हम अगली वीडियो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो पाउस होगी तो ऊपर चढ़ने में काफ़ी हमें 10-15 मिनट तो लग जाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ की वीडियो बना रहे हैं, तो बाकी की वीडियो आगे हम वहाँ पहुँच कर ही आगे बनाएंगे। तो ये देखिए गाइस, रोड जा रहा है यहाँ सामने, तो मुझे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है। मेरे बैक साइड पे है ये रास्ता है, और हम इन साइकिलों पे आए। हम कहीं भी जाते हैं इन साइकिलों का सफ़र करते हैं। तो हमारे साइकिल कुछ भी नहीं लाए, साथ पंचर हो गई। अल्लाह माजी देखते। तो आगे आगे का सफ़र तय करते हैं, फिर आगे की वीडियो आपको दिखाएंगे और थोड़ा बहुत ट्रेवलिंग भी दिखाएंगे। और कब्रिस्तान है बहुत पुराना, आप देख सकते हैं कितना पुराना होगा। यहाँ पे तो लोग बहुत ही कम आते रहते हैं, और हम आ जाएँ इसी वीडियो लेके आपके लिए इंशाल्लाह, और ऊपर भी चढ़ेंगे पहाड़ पे, आपको व्यू दिखाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जुड़ते रहे हमारी वीडियो की तरफ। और ये कब्रिस्तान भी काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत ही पुराना होगा, कब्रें भी आप देख लें काफ़ी पुरानी है। और रेडी तो गाइस यार, आप हमें सपोर्ट करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आने वाला है हमारी वीडियो में। हम आपको ऊपर चढ़ के और ही बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाने वाले हैं, तो चलो मिलते हैं ऊपर। तो गाइस आज हम ऊपर जाने वाले हैं, वो पहाड़ आप देख रहे हो सामने, दरगाह भी है ऊपर। कैमरा मैन घुमाओ, मजाक करते हैं। तो यार गाइस, आज साबिर भाई ने साइकिल ऊपर उठाई हुई है, सामने झाड़ियाँ हैं, रास्ता भी नहीं है। एक साइकिल तो वो पहुंचा चुके हैं जो वहाँ पे खड़ी हुई है, आपको वो जूम करके दिखाते हैं। वाओ, सामने देखें आप, सही है, साबिर भाई साइकिल उठा रहे हैं ऊपर। पहाड़ काफ़ी ऊपर है, दूर है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आज हम लोग कहीं फंसे हुए हैं झाड़ियों के बीच, चलो मिलते हैं गाइस ऊपर। रास्ता मिलेंगे तो आपको दिखाएंगे आगे। गए थे, मैं ऊपर गया था, ये नीचे खड़ा हुआ था, ये हाथ दिखला रहा भी था, दिखा रहा भी था। हमारे पास कोई हाई फाई मोबाइल तो नहीं है जो इतना क्लियर दिखाता,
ज़्यादा जूम करता हूँ तो वो धुंधला हो जाता है, थोड़ा कम करके दिख रहा था ये बंदा। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो आपको? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो।